सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जफर आलम के समर्थन में सलखुआ प्रखंड के कबीरा धाप बाजार में पूर्व सांसद सह जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रतिज्ञा सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव 3 साल बनाम 30 साल का है। मैं सीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन पिछले 7 महीनों से मैं ही तो हूं। कोरोना वायरस, बाढ़, चिमकी बुखार, शेल्टर हाउस, मिथिला की लड़ाई, मिथिला में मैथिली की पढ़ाई, सभी मुद्दों पर मैं जनता के बीच था। यदि हम सत्ता में आते हैं तो हमारी सरकार गरीब के घर में जन्म लेने वाली बेटी के नाम पर बैंक में 1 लाख का फिक्स डिपोजिट जमा कराएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरी में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। हमारी प्रतिज्ञा रोजगार और गरीबों को सम्मान देने की है। हम जाति धर्म के भेदभाव को खत्म कर समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। सरकार में आने के 2 साल के भीतर सभी गरीब परिवारों को 1 BHK का फ्लैट देंगे। युवाओं को बिना ब्याज का 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकें। जब तक युवाओं को कम से कम 20,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल जाएगी, तब तक हमारी सरकार हर युवा को 6,000 रुपये देगी। गरीब परिवारों का इलाज मुफ्त में होगा। 600 रुपये की पेंशन से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाएगा। राज्य के 18 जिले बाढ़ की चपेट में थे, एक बार भी पीएम मोदी और लालू यादव परिवार और उनके युवराज नहीं दिखे। कहां गायब थे वह? कोरोना वायरस काल और चमकी बुखार में युवराज कहां गायब थे? उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जनता जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर वोट नहीं दे रही। लोगों ने दोनों गठबंधन NDA महागठबंधन को नकार दिया है। मतदाता तीसरे गठबंधन की ओर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता हमारे कार्यों को देखते हुए हमें इस बार मौका देगी। पिछले 30 वर्षों में पुल निगम, भवन निगम, बुटको, 7 निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। इन सब में संलिप्त सभी मंत्रियों, अधिकारियों और ठेकेदारों की संपत्ति की जांच 2 महीने के अंदर होगी और भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाएगी। साथ ही सभी शेल्टर हाउस की भी जाँच होगी। इस मौके पर छात्र जाप के प्रदेश महासचिव पुनपुन यादव, प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव, कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, विक्की भगत, मुन्ना कुमार, राहिल महताब, दानिश इकबाल, यासिर शीरक, नीतीश आदि उपस्थित थे। दिल्ली में 76 दिन तक हर मजदूर सभी लोग लाठी चला रहे थे। मोदी जी, नीतीश कुमार, कोई मजदूर नहीं रहे जगह पर लाठी नहीं चले थे। हर मजदूर के हाथ में 1,500 रुपया पप्पू यादव को, हर मजदूर के हाथ, एक मजदूर नहीं चल रहा हाथ में पप्पू यादव नहीं पहुंच रहे, तो अगर नाम तो बता दे। घर नहीं बचले जगह राशन पर पप्पू यादव नहीं पहुंचे। सहरसा से विनोद सिंह की रिपोर्ट।